नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। भारत के इतिहास में आज एक और अध्याय जुड़ गया है। पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस दौरान देश दुनिया में बैठे लोगों की नजरें अयोध्या पर टिकी रही। इस पल का सभी सनातनियों के साथ साथ पूरे देश को लंबे समय से इंतजार था। राम मंदिर में अब प्रभु श्री राम विराजमान हो गए हैं। उसी को लेकर हम दिखा रहे हैं जिला बिजनौर से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट, जहां बिजनौर जनपद आज राममय हुआ और जगह जगह सनातनी लोगों ने कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। बिजनौर नगर पालिका परिषद के तत्वाधान में पालिका चौराहे पर राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण देखा गया। नगर क्षेत्र के लोगों को भी दिखाया गया, साथ ही प्रसाद का वितरण भी किया गया। वहीं सराफा बाजार में भी सराफा व्यापारियों ने अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण देखा और सुंदरकांड पाठ का आयोजन कराया गया। मोहल्ला खतरियान स्थित हनुमान जी की बड़ी मूर्ति मंदिर में भी हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान मोहल्लेवासियों के लिए बड़ी LED लगाकर लोगों को अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण दिखाया गया। आज पूरा विश्व राममय में डूबा हुआ है और हर कोई अयोध्या में रामलला के विराजने की खुशी मना रहा है। चेयरपर्सन पति डॉक्टर बीरबल सिंह ने बताया, देखिए आज जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप देख सकते हैं कि आज सारा देश, सारा विश्व और अपना नगर भी उसके साथ राम में है। और क्योंकि ये नगर पालिका का जो क्षेत्र है, ये पहले से ही भगवान राम के प्रति अगाध श्रद्धा रखता आया है और आज भगवान राम का संपूर्ण प्रकटीकरण जिस प्रकार अयोध्या में हुआ है, उससे पूरा बिजनौर नगर आह्लादित है, प्रसन्न है। और ये आज मात्र श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि एक तरह से ये भारत की सनातन संस्कृति को विश्व में पुनर्स्थापित करने का भी दिन है। और ये हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय है कि आज इस शुभ दिन पर भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत भारत जो कभी उसका विश्व में प्राचीन गौरव था, उसको प्राप्त करेगा, वैभव को प्राप्त करेगा, विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करेगा और फिर से एक बार सोने की चिड़िया बनेगा और हमारी संस्कृति का परचम पूरे विश्व में लहराएगा। ये आज उसका जो कार्यक्रम हुआ है, इसके निमित्त जिसके लिए किया गया है, ये भारत की प्राचीन संस्कृति को वैभव तक ले जाने का काम करेगा, इसी निमित्त ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।